गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए मंसिका। इसमें आप लोग को बताई थी कि नेट के सिलेबस के बारे में। उस दिन मैंने फर्स्ट यूनिट आप लोग को बता दी थी। आज मैं सेकेंड यूनिट बताऊंगी कि सेकेंड यूनिट में क्या क्या पूछा जाता है। सेकेंड यूनिट में देखिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक के कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक, क्या क्या क्रॉप्स दिए गए हैं इसमें। ये सब देखो, यहाँ से टोमेटो से लेकर लीफी वेजिटेबल वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। आप लोग इसको वीडियो को दे रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए कि ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग जेनेटिक्स पढ़िए, मेंडल्स लॉ पढ़िए, और इसके बाद जीन कोड पढ़िए। ये सब पढ़ो, फिर इसके बाद उसके बारे में नॉलेज लो। फिर एक एक क्रॉप करके आप लोग हरिहर राम की एक वेजिटेबल ब्रीडिंग की बुक आती है, उसको ले लीजिए आप लोग। उसको आप लोग रखिए अपने पास, उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये दिया गया है सारा, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दियर फंक्शनल, ठीक है। सीड प्रोडक्शन, सीड को कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको कैसे स्टोरेज करते हैं, कैसी उसकी साइकिल क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। और फिर अगली यूनिट है हमारी सिक्स यूनिट है सिस्टमेटिक ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, उसके बारे में सारा पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शन सेवन यूनिट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अंडर एक्सप्लॉयटेड वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्रॉप्स दिया गया, स्पर्गस, आर्टिचोक एंड लीफ, ब्रूसेल्स, स्प्राउट, चाइनीज कैबेज, ब्रोकली, ये सब दिया गया, क्रॉप्स दिए गए ही है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और फिर एट्थ यूनिट है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, मतलब कि ये कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी वेजिटेबल में की जाती है, ये कह रहा है एट्थ यूनिट। इसमें नेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, सिलेबस में दे रखा क्या है इसमें, और क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना पढ़ें। ब्रीडिंग पोर्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्रीडिंग पोर्शन सब लोग को बहुत कम समझ में आता है। जिसको करना हो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, जो हो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से ही लग जाओ नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, तभी हो पाएगा, ठीक। थैंक्स फ्रेंड्स।